नमस्कार साथियों। साथियों, हमारी प्रकृति में बहुत सारी लाभकारी वनस्पति भरी पड़ी हुई। ये जो पौधा आप देख रहे हो ना, ये कांटेदार पत्तियों वाला पौधा है, पीले फूल इस पर आते हैं। ये आपने सड़क के किनारे पार्क में देखा होगा, मगर इसका नाम शायद नहीं सुना होगा। ये जो पौधा ना बंजर जमीनों में, खाली बड़ी जमीनों में, पथरीली जगहों पर, कड़ाके की धूप वाली जगहों पर, यानी हर जगह ये आपको उगाता है और इसकी कोई देखभाल नहीं करता, अपने आप उग जाता है। तो ये पौधा, इसका हो सकता है आपने नाम ना सुना हो। कोई लोग, कोई कह देता है इसे कटीली है, कोई कह देता है ये सत्यानासी का पौधा है, कोई इस ये लेकिन बड़ा ही बेहद ही चमत्कारी पौधा है। और इसे कोई कहता है उजर कांटा, कोई कहता है इसे स्वर्ण छीरी। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जानवरों का दूध हो या पौधों में से तोड़ो तो उनमें से दूध निकलता है, वो सफ़ेद होता है, इसमें निकलता है पीला, पीले रंग का दूध निकलता है इसके अंदर से। तो इसको उसी कारण स्वर्ण छीरी भी कहते हैं। और ये देखिए टाइगर, ये मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो के पास ही आ गया। इसको प्रिकली पॉपी, कटुपर्णी, मैक्सिकन पॉपी, पीत दुग्धा, कुटकुटारा, पीला धतूरा, भड़ भांड, दावड़ी, भटकटैया, फिरंगी धतूरा, दावड़ी सत्यानासी, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो आज हम इस आर्जिमोन मैक्सिकाना के फायदों के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप कैक्टस या सकुलेंट प्लांट उगाने के शौकीन है तो ये कैक्टस में ये पौधा भी बड़ा सुंदर लगता है, गमले में बड़े आसानी से हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इसका पौधा लाइए, लगा दीजिए और दिन में 2-3 बार इसको पानी दे दीजिए। पौधा कहीं भी उगा हुआ मिल जाता है। तो कैक्टस गार्डन अगर आपका है तो उसमें ये बड़ा ही अच्छा लगता है, धूप में या छांव में दोनों में ही हो जाता है। और इसको बीज से भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसके बीज बड़े महंगे आते हैं, 200 से 250 रुपये में 100 ग्राम बीज आते हैं। तो ये बड़ा ही आयुर्वेद में तो ये बेहद चमत्कारी दिव्य जड़ी बूटी है ये, और इसका बहुत सारे मेडिसिनल उपयोग है, औषधीय गुण हैं इस पौधे के। ये अगर इसकी बीमारी गिनवाऊँ तो पूरा वीडियो बीमारियों से भर जाएगा, जिसकी औषधियों में ये इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इसके मेडिसिनल उपयोग जो हैं वो अस्थमा, बवासीर, पथरी, गंजापन, खांसी, बुखार, गर्भधारण, गर्भपात, पथरी, सिर दर्द, मस्तक पीड़ा, नेत्र रोग, नेत्र ज्वाला, दंत पीड़ा, दमा, कंठ की सूजन, जुकाम, पेट दर्द, पेशाब रुकावट, पेशाब जलन, दाद, ऐसे बहुत सारे रोगों की दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और कमाल ये, इसका हर भाग, चाहे इसकी पत्ती हो, फूल हो, तना हो, जड़ हो, छाल हो, सभी का इसका औषधियों में इस्तेमाल होता है। इसका तो इसका जो नाम है ना, इसे कहते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे नाम, इसे साधारण भाषा में कहते हैं सत्यानासी। और सत्यानासी कहते हैं ना कभी कभी बड़े बुजुर्ग के बोल देते हैं एकदम से कि ये सत्यानासी कुछ नहीं करेगा, सत्यानाश करेगा। तो इसके कामों के बारे में हमें नहीं पता। सत्यानाशी का यहाँ मतलब हम समझते हैं जो किसी मतलब का ना हो, यानी या काम को खराब करने वाला, बिगाड़ने वाला, जिसका कोई फायदा नहीं, उसे हम कह देते हैं सत्यानाशी। तो ये सत्यानाशी है, इसका नाम सत्यानाशी जरूर है, मगर ये पौधा बहुत ही काम का पौधा है। और इसको बहुत सारे लोग तो ना इसके नाम जानते, और जो नाम जानते हैं तो इसके काम नहीं जानते। तो ये धूप, जैसे दूध जो इसमें हमने बताया ना, पीले रंग का इसमें तरल निकलता है, इसीलिए स्वर्ण छीर या स्वर्ण छीरी भी कहा जाता है। और हर हिस्सा इसका फायदेमंद है। इस पौधे की जड़ को ना पानी में उबाल कर काढ़े की तरह पी लीजिए, खांसी और सांस रोगों को बहुत आराम मिलता है। और इसके पीले फूल है ना, पीले फूल का जो दूध निकलता है उसको आप उबाल के ना, पेट दर्द में बड़ा ही फायदेमंद है। पी लिया हमें सत्यानाशी का तेल और गिलोय का जूस मिलाकर पीने से बहुत फायदा है। इसकी बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं,
और मैंने बताया कि बड़े सुंदर लगेगा, घर में अपने गमलों में भी इसको उगाया जा सकता है, और इसका पाउडर, तेल, इसका जो कैप्सूल, इसकी सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप अगर जाओगे तो ऑनलाइन इसकी सारी दवाइयाँ मिल जाती है। तो ये बहुत ही गुणकारी वनस्पति है जो प्रकृति ने हमें दी है उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसके फायदे इतने हैं तो इसकी सुरक्षा के लिए इसमें कांटे दिए। तो साथियों, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर